कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी सहितं नमामि ॐ नमो नारायण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण राधे राधे जय माता दी हर हर महादेव जय भोलेनाथ देखिए जैसे एक फ़ोन होता है वो तब तक कार्य नहीं करता है जब तक कि उसे चार्जर लगा के आप चार्ज ना कर लें अगर बैटरी बिल्कुल डाउन है ज़ीरो परसेंट है तो ऑफ हो जाएगा फिर चाहे उसमें आप कुछ भी करना चाहें कुछ भी निकालना कुछ भी नहीं कर सकते उसका कोई यूज नहीं है वेस्ट के बराबर हो जाता है लेकिन अगर वही फ़ोन को आप चार्ज कर लेते हो 100% परसेंट बैटरी रहती उसकी तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो उसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो वैसे ही कोई भी मंत्र होता है कोई भी मंत्र एक डेड फ़ोन की तरह होता है एक जीरो परसेंट बैटरी जैसे फ़ोन होता है कोई भी मंत्र ले लो आप अब वो चार्ज कैसे होता है वो चार्ज होता है आपकी पूजा पाठ से वो चार्ज होता है आपके जप से वो चार्ज होता है आपकी साधना से और वो चार्ज होता है आपके विश्वास से जब आप विश्वास रूपी चार्जर लेके उस मंत्र को जपते हैं पूजा पाठ करते हैं भोग इत्यादि चढ़ाते हैं तो दैवी शक्तियां प्रसन्न होती हैं कहीं ना कहीं और उसके बदले वो आपको आशीर्वाद देते हैं लेकिन जब हम मंत्र को चार्ज करते हैं जिस प्रकार से फ़ोन चार्ज होता है उसको यूज करते रहते हैं तो वो डिस्चार्ज भी होता रहता है उसी प्रकार से आपका जो जपा हुआ मंत्र है आपकी जो पूजा पाठ है वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होती रहती है अच्छा आप क्या सोचते हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप क्या एकत्रित कर रहे होते हैं आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे आप कहेंगे कि आप आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर रहे हैं आप कहेंगे कि आप जब की ऊर्जा एकत्र कर रहे हैं आप कहेंगे आप अपना तपोबल बढ़ा रहे हैं आप कहेंगे आप अपना और बदल रहे हैं या फिर आप ये कहेंगे कि आप सकारात्मक चीज़ें कर रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं जिसकी जैसी पूजा होती है जिसकी ज... जिसका जैसा जप होता है या फिर जिसकी जैसी साधना होती है उसी प्रकार से उसका जवाब उसके पास में होता है तो जब आप सकारात्मक चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो जब आप पूरे दिनचर्या में पूरे दिन में आते जाते हैं मिलते जुलते हैं आपके जीवन में समस्याएं भी आती हैं परेशानियां भी आती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुख दर्द हैं जो आपके जीवन में आते रहते हैं आप उनको ख़त्म करने के लिए आप उन शक्तियों का प्रयोग अवश्य करते हैं कोई मुसीबत आई तुरंत भगवान को याद करेंगे अपने मंत्रों को जब को एक बार दोहराएंगे बोलेंगे कि मेरी ये चीज़ सही हो जाए मेरा ये काम बन जाए मेरा ये काम बिगड़ रहा है ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो आपने किया कि उस मंत्र की ऊर्जा को प्रयोग में लाए प्रयोग किया उस मंत्र की ऊर्जा का और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि जो चीज़ें सौ परसेंट खराब हो रही थी वो आपके जप के प्रभाव से आपके पूजा पाठ के प्रभाव से आपकी प्रार्थना के प्रभाव से उनके खराब होने का जो हंड्रेड परसेंट था वो कम हो जाता है अब वो उतना इफेक्टिव नहीं रहते हैं जितना कि पहले आपको परेशान कर सकती थी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती इन देवी शक्तियों से आपके मंत्रों से आपके जाप से आपकी पूजा पाठ से तो जब आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं तो खत्म हो रही होती है आपका जो जब की ऊर्जा वो खत्म हो रही होती है अब इसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार जब करते रहना पड़ेगा लगातार का अर्थ है कि नित्य करते रहना पड़ेगा कभी कभी हम अपनी ऊर्जाओं को बिना वजह ही वेस्ट कर देते हैं गलत कार्यों में लगाकर आपका अगर इंटेंशन गलत है आपकी अगर सोच किसी के प्रति गलत है और आप अपने ऊर्जा के प्रभाव से आप उस उसको बदलना चाहते हैं किसी के साथ गलत करना चाहते हैं बहुत तेज़ी से ऊर्जा आपकी ख़त्म होती है जैसे फ़ोन होता है ना बहुत एग्जॉस्टेड हो जाए हीटेड हो जाए या फिर कोई ऐसी जगह कुछ ऐसी चीज है उसमें एक साथ रन होने लगे तो बहुत तेज़ी से उसकी बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है इसी मतलब उसमें कुछ ऐसी अननेचुरल चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से उसकी बैटरी बहुत तेज़ी से अननेचुरली डाउन होती जा रही है जबकि उसको उतना डाउन नहीं होना चाहिए था उसी प्रकार से आपकी ऊर्जा भी अगर गलत कार्यों में लगती है गलत चीजों में लगती है गलत सोच में लगती है गलत विचारों में लगती है तो आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत तेजी से नीचे गिरता है क्योंकि देवी शक्तियां बहुत पवित्र होती हैं, अपवित्रता की तरफ अगर आपकी सोच जाएगी तो ये शक्तियां धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाती हैं ऐसा नहीं है कि आपका अहित होना शुरू हो जाएगा लेकिन उन शक्तियों की जो ताकत होती है उन शक्तियों की जो ऊर्जा का जो आपने संग्रह कर रखा था जो तपोबल बढ़ा रखा था तो वो धीरे धीरे करके डाउन होता रहता है कभी कभी हम अपने आप को अच्छी तरह से जज नहीं कर पाते हम गलत कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं ज्यादातर लोगों की यही परेशानियां होती हैं इवन आपकी भी होगी मेरी भी होगी हम भी कभी कभी ये लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन अपने को कहीं ना कहीं सही साबित कर लेते हैं अपने अंदर ही कि हाँ चलो इस बा सही है किसी के लिए ये किया वो किया लेकिन जो गलत होता है अगर आप उसे अच्छे से जज कर लेते हो तो आप अपनी ऊर्जा को बचा लेते हो अपनी ऊर्जा का प्रयोग हर जगह मत करिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल हर जगह प्रयोग मत करिए जब तक आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत अधिक नहीं बढ़ जाता है अगर आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत अधिक बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए और उसके बाद अगर आप अपनी ऊर्जा को किसी और कार्य के लिए प्रयोग करेंगे तो वो कार्य करेगी आशा ये जानकारी आपको समझ आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव